हे व्हाट्स अप गाइस, मेरे को न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और गाइस अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं और गाइस आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बारिश हो रही है। गाइस कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और गाइस आपको लग रहा होगा मैं नत्या शहर होकर काम पर जा रहा हूँ। गाइस आज हम घूमने जा रहे हैं अमृतसर, जो गाइस पठानकोट से और अमृतसर का गाइस जो रास्ता होगा वो गाइस सिर्फ 2 घंटे का होगा और गाइस जो इसका डिस्टेंस होगा 115 किलोमीटर होगा। और गाइस आज हम अपनी कार में ही जा रहे हैं और गाइस आज मैं आपको गाइस इस वीडियो में अमृतसर में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी गाइस हम अमृतसर पहुंच चुके हैं और गाइस अभी हम पार्किंग कर रहे हैं। अभी गाइस हमने एंट्री कर लिया और अभी हम गुरु के बाज़ार पहुंच चुके हैं और अब हम सुबह पहुंचे थे और अभी हम होटल में जा रहे पहले लगेज रख के फिर बाज़ार में और साथ में एक जैसे लग गए थे रंग भी एक जैसे ही उसका फिर हम होटल पहुँच गए। गाइस शाम के 4 बज चुके हैं और गाइस अभी हम गोल्डन टेम्पल बीच है और गाइस हमने एक होटल में है, हमने गाइस एक कमरा बुक किया है और गाइस मैं आपको अभी गाइस हमारा 102 है गाइस ये देखो गाइस कुछ ऐसा रूम है ऊपर का इंटीरियर। ये AC है और गाइस ये TV है छोटा सा। गाइस बेड है, क्लीननेस है बाथरूम में। गाइस यहाँ पे आपने लगेज रखा हुआ है। और गाइस आपको रूम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। और गाइस अब हम आपको बताएंगे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस। और अभी गाइस हम होटल से बाहर आ चुके हैं और गाइस आपको होटल कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। और गाइस हम वापस गुरु का बाजार आ चुके हैं और गाइस अभी हम जलियांवाला बाग में जा रहे हैं। और गाइस आपको वीडियो देखने में कैसी लग रही है कमेंट में जरूर लिखना। और अब मैं आपको गाइस मिलता हूँ सीधा जलियांवाला बाग में। अब गाइस हम जलियांवाला बाग में पहुंच चुके हैं, अभी गाइस हम एंटर करने वाले हैं। और गाइस हमें शुरू में बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू देख रहे थे। आपको भी गाइस कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर लिखना। फिर हमें शुरू में ही फिर पत्थर ऐसा मिली, पत्थर से बाहर पानी निकल रहा था। फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते रहे, फिर उसके बाद हमें ये गार्डन मिला था, वो ज़रा खूबसूरत था ये गार्डन। फिर उसके बाद हमने ये पानी के साथ बहुत बड़ा पिल्लर था जलियांवाला में ही, ये भी बहुत अच्छा था। फिर हमने बहुत सारी गोलियों के निशान देखे जो 13 अप्रैल 1919 वाले दिन हुआ जब अंग्रेजों ने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, जो उनके जो घर थे उसके में जो उसके अर्सा मिल रहा आपको उसमें गोलियों के निशान थे। उसका फिर हमने गार्डन देखा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था गार्डन। उसके बाद हम कुएं में गए थे जहाँ पे 120 लोगों की लाशें थी, ये बराबर नहीं है। और यहाँ पे गए इस कुएं के अंदर सिक्के थे। फिर उसके बाद हम गैलरी वन में गए थे जहाँ पे इतिहास के बारे में प्रोजेक्टर लगा था जिसमें वो बता रहे थे पुराने इतिहास बता रहे थे इसमें। फिर यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ भी थी। फिर एक ऐसे बड़ा सा चीज था, फिर यहाँ पे जो भर्ती वाले थे आर्मी वाले ये उनके बारे में बताया हुआ पूरा। फिर गैलरी टू में गए और यहाँ पे टेबल में भी बहुत अच्छा ये यहाँ पर लेटर टाइप के लिखे थे कुछ।
सारा कुछ। हाँ मतलब 13 फ्लैट ये जो आर्टिकल थे इसमें, मतलब 1919 में जो घटना हुई थी 13 अप्रैल को, उसका बताइए। उसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट फ्री में गए और यहाँ मतलब गैलरी फ्री में गए ना, और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट लगा था, और यहाँ पे भी यहाँ पे फिर ये छोटे छोटे से मतलब स्टैचू थे। यहाँ पे मतलब मैप है जो पुराने जमाने में था, 1919 में जो मैप। फिर हम गैलरी 4 में गए और यहाँ पे जो अंग्रेजों से लड़के जो फ्रीडम फाइटर जो शहीद हुए थे अंग्रेजों से, मतलब लड़के हमारे फ्रीडम फाइटर थे ये सारे, इन्होंने मतलब अंग्रेजों से डट कर मतलब सामना किया था, ये देश के लिए मतलब शहीद हो गए थे। ये उन सब का मतलब बताया, तस्वीरें बताई हुई हैं। उसके बाद हमने जो ज्योति का जो सारा सब्जेक्ट है उसका नाम गोल्डन टेम्पल। अभी गाइस हम गोल्डन टेम्पल आ चुके हैं, और गाइस आपको जलियांवाला बाग कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। और गाइस अभी हम आपको मतलब पूरा नहीं दिखा पाएंगे, रात को भी गाइस आपको दिखाएंगे गोल्डन टेम्पल वाला, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग के घूमने के बाद फिर हमने मतलब ब्यूटीफुल सा मतलब फाउंटेन देखा। हम एंट्री में थे गोल्डन टेम्पल के, शाम का समय था, रौनक लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ऐसी रौनक में। उसके बाद फिर हमने रात को मतलब गोल्डन टेम्पल देखा, फिर गोल्डन टेम्पल मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, रात को बहुत ज़्यादा मतलब चमक रहा था, देखने से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शांति मिल रही थी। फिर उसका फिर हम 12 गोल्डन टेम्पल से फिर हमने मतलब लंगर खाया। उसका फिर हम गए सब मतलब फिर हम सीधा मतलब होटल आ गए। रात के 8:50 हो चुके हैं, और गाइस अभी मैं गाइस होटल में आ चुका हूँ। और गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा घुमा, आज गए मैं जलियांवाला बाग और मार्केट, और साथ में हरिमंदर साहिब भी घुमा। और गाइस रात को तो देखने का मज़ा ही आ गया हरिमंदर साहिब को, और गाइस आज बहुत मज़े किए, और गाइस बहुत ज़्यादा थक गया आज मतलब सारा दिन हम चलते चलते रहे, मतलब पैदल चले थे आज दौड़ के गाइस। और गाइस आपको जलियांवाला बाग की बाग वाली मतलब जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना, और आपको गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। अब मैं गाइस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ऐसे ब्लॉग लाता रहूँगा, और अब मैं आपको मिलूँगा एक न्यू वीडियो में।